अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद वापस से मुलाकात, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कैसा आइसक्रीम खा रहा है, ये आइसक्रीम का दीवाना हो चुका है, दीवाना। उसको कुछ भी रखेंगे ना सामने, उसके दो चार चीज़ें सामने रखेंगे ना जो वो खाता है ना, उसमें आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम को चूज़ करता है, बाकी कुछ कुछ नहीं चाहिए। बहुत आइसक्रीम पसंद आई है उसे, माशाल्लाह ना। और आप सब लोग कैसे हो, कैसे रोजे चल रहे हैं? अपना अपना ध्यान रखो, अच्छे रोजे करो, इबादत करो, हर किसी के लिए दुआ करो। अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन की चिल्ली, और ये मैंने सोयाबीन फ्राई करने के लिए ले लिए हैं, उसको मैंने मैरिनेट किया था। रेसिपी तो पूरी नहीं बता रही हूँ, फिर कभी बताऊँगी। और बाकी ये सब कटिंग वगैरह मैंने सब करके रखी है, ये सब अभी बनने के बाद, बाद में पूरा होने के बाद बताती हूँ। तो फाइनली ये हो गई सोयाबीन की चिल्ली और चावल के डोसे और रहे दानिश। अभी आप सब लोग सोचेंगे कि खाना खा रहे, हाँ ये दोपहर का खाना खा रहे। दानिश की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से दानिश के रोजे टूटे, मतलब छोड़ना पड़े, मजबूरी है, क्या करे। तो ये मैंने अब आज के लिए दानिश के लिए खाना बनाया है, तो चलो बता। वालेकुम सलाम, चलो मैं दे दूँ। गमेला गमेला उसके अंदर खाओगे? ठीक, तो दानिश को खाना दे चुकी हूँ। ये रही हरी, ये प्याज प्याज दी, देखो मैंने खा के बताओ कैसा लगता है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। इसकी रेसिपी तो मैंने आज शूट नहीं की है, फिर कभी रमजान बाद, फिर कभी बोले तो रमजान बाद बनाऊंगी। चलो अभी दानिश को खाना खाने देते हैं, ये खाने के बाद बात करेंगे। तो अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, और इफ्तार के बाद रोजा वगैरह खोलकर ना फिर बैठे हैं। दोपहर को मैंने बनाया, लेकिन थोड़ा ही बनाया, मैं उसके बाद बनाने वाली थी लेकिन नहीं बनाया। तो इतने दिन, 15 दिन से मैं कहाँ गायब थी, 15 दिन से वीडियो क्यों नहीं एक भी आया। उसकी वजह थी कि दानिश की तबीयत खराब थी। दानिश की ख़राब होने के बाद थोड़ी तबीयत मेरी भी ख़राब हो गई, जिसमें मतलब ठीक नहीं लग रहा था कि वीडियो बनाए, और तबीयत ख़राब होने के बाद क्या वीडियो बनाना। तो इसके लिए मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाया, और आज फाइनली वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मेरे पास एक दो वीडियो मैंने शूट किए भी थे, लेकिन वो मैं डाल ही नहीं पाई तबीयत ख़राब ना होने की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो ऐसा हुआ कि रमजान स्टार्ट होने से 2 दिन पहले से ही दानिश की तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद खराब है ना, क्या बुखार वगैरह, बुखार, सर दर्द, ऐसे सब, हाँ ऐसा सब था। पैर गर्म होते थे, वो हाथ गर्म होते थे, लेकिन ये बुखार आती थी, जाना भी हो गया था। इसके लिए बहुत जाने का नहीं, कुछ खाने का नहीं, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, ठंडा नहीं पीने का, ये नहीं करने, सब मेरे ऊपर ताबा ताबा ताबा। फिर उनको से वो घर में ना, तो फिर जैसी जेल मेरे को, बाहर तो फिर मैं आजाद रहता हूँ, घर में मेरे को जेल, और फिर मेरे को जेल, तो साथ में खुद को भी जेल। हाँ मेरे को जेल होगी या फिर खुद को भी जेल, फिर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर वो किसी खाएगी, वो भी नहीं खाएगी। हाय भूखी पैसी है, भूखी पैसी है, बीमार पड़ी। लेकिन अल्लाह का करम है, इसके बारे में क्या उसको ना दवा इंजेक्शन डॉक्टर ये नहीं लगता है, सिर्फ दुआ लगती है। और अब उसको बड़े सब में बड़ी चीज़ उसकी है आबे जमजम, आबे जमजम के एक दो घूट गए उसके पेट में, क्या भी ठीक हो जाती है लगाया, क्या बोला कि खड़ी माशाल्लाह अल्लाह कर, ये बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह उसके लिए, मेरे लिए भी है, हमारे लिए भी है। लेकिन इनको डॉक्टर क्या जाना पड़ता है, मेरे को जाना पड़ता है, इसको जाना नहीं पड़ता। तो इसके लिए और कुछ रोजे भी हमारे जा चुके, स्टार्टिंग के तो हमने रोजे रखे, और
दानिश के रोजे मतलब कब टूट गए, जब उनको डॉक्टर के पास फाइनली जाना पड़ा। जब डॉक्टर के पास गए उस दिन भी ना तो भी 1-2 बजे तुमने रोजा वो खोला था ना, 2 बजे फिर तो डॉक्टर ने उनको फाइनली बोल दिया कि नहीं तुम रोजे नहीं कर सकते करके, इंजेक्शन लिए, गोलियां लिए, फिर क्या, फिर उसके बाद उन्होंने जब 2 बजे रोजा खोला तो ऐसा करके रोजे खोलने पड़े। तो उसके बाद फिर मेरे भी रोजे जा चुके हैं तो ऐसा करके, लेकिन अभी माशाल्लाह से एकदम फिट है तो दानिश फाइनली परसों से रोजा कर रहे हैं। और उसमें अभी मैंने सोचा था, एक्चुअली अपन सोचते कुछ और है, होता कुछ और है ना। मैंने सोचा था कि मैं रमजान में ना बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज वगैरह डालूंगी, सब अच्छा अच्छा बताऊंगी। दानिश को बुलाया था, उनको बहुत कुछ अलग अलग मतलब जैसे शरबत वगैरह कुछ अलग अलग मतलब ट्राई करेंगे, तुमको बहुत कुछ कुछ इस बार खिलाऊंगी, हमेशा खिलाती हूँ। लेकिन मेरे को कोई शिकवा नहीं है, चलेगा, तू जो खिलाएगी जो पिलाएगी ये सब चलेगा, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि डॉक्टर ने, ठंडा तो हम नहीं पीते हैं लेकिन जैसे रमजान में थोड़ा बहुत तो शरबत वगैरह ये सब होता है ना, उसमें तो होता है थोड़ा बहुत हमारे लिए, थोड़ा बहुत हमारा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम पानी भी हम लोग मतलब सादा पानी तक नहीं पीते, हमें गर्म पानी ही लगता है। तो उसकी वजह से हमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा चलती भी नहीं है, हम चाहे तो भी ठंडी चीज़ें हमें हजम नहीं होती है ना। लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि रमज़ान में थोड़ा बहुत करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, रेसिपी बनाओगे, सब बहुत कुछ सोचा था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा वो नहीं होता जैसा हम चाहते या जैसा हम सोचते, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अच्छी बात ये भी है कि मतलब दानिश अच्छे हो चुके हैं बहुत अच्छे से, तो ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम मेरी ये है ना कि डॉक्टर ने वेज खाने बोला है दानिश को, मुझे नहीं दानिश ने, दानिश को वेज खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, तेल की फ्राई की चीज़ें नहीं खानी है। तो रमज़ान बोले तो और फ्राई की चीज़ें ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। मैं बोलता ना, देखो मैं तुझे आइडिया देता हूँ, बिस्मिल्लाह बोल और चेहरे को जो जमे होकर अल्लाह का नाम लेके, तब कुछ नहीं कर जरा रमजान के नाम पे, रोजे के नाम पे बना, देखो जो बनाने का बिंदास बना और कुछ नहीं कर। अच्छा तो इसके लिए थोड़ा ना मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे कैसे करे। और वेज बोले तो घिलता नहीं है दानिश को, मेरी बात नहीं, तो खा रहा हूँ ना, एक मिनट, हाँ ये वेज खा रहे, बिल्कुल सही हो रहे, वेज खा रहे, लेकिन वो एकदम इतना सा खाएंगे मतलब नॉन वेज रहेगा ना, आपको समझो 3 रोटी खा रहे फुलके, हाँ मेरे रोटी बोलेंगे तो एकदम इतने से, और माशाल्लाह एकदम पतले रहते हैं। तो नॉर्मली जो मैं रोटियाँ देखती हूँ लोगों की, वो 1 रोटी के मुकाबले मेरे कितनी रोटी होगी, 3 या 2 रोटी तो पक्का है ना। तो उनके 1 रोटी के मुकाबले मेरे 2 से 3 रोटी बनेंगे, इतनी पतली मेरी रोटी रहती है। तो मैं हमारी रोटी के हिसाब से बात बोलती हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं 1.5 रोटी खा रहा हूँ तो अच्छा है क्या बुरा है? बुरा है, देखो हाँ वेज की वजह से क्या होता है ना कि जहाँ इनको 3 रोटी खानी है ना, यहाँ मुश्किल से 1 या 1.5 बोलेगा तो बहुत हो गई यार, 1.5 बोले तो बहुत हो गई। तो अभी बताओ, जो इंसान बीमार है उसको वेज खाने बोला है, उसे खाना अच्छे से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो ये ऐसा खा रहे तो इनको वेज गिलता है नहीं मैं इतनी जबरदस्ती करती हूँ कि नहीं दानू ऐसा नहीं, दानू ऐसा नहीं, दानू ये करो वो करो, लेकिन तेरे को जो पटेगा तू पका, मैं मेरे हिसाब से। अभी नॉनवेज भी इतना सारा है ना कि रमजान स्टार्ट होने से पहले से ही अपन तो तैयारी कर दी ना, उस हिसाब से ही इन्होंने मटन से लेके क्या नहीं इन्होंने लाया है, और फिर पाए लेके सब कुछ है फ्रिज में, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, एक बार भी पका नहीं पाए, क्या करे। मैं मच्छी सिर्फ थोड़ी बहुत बना लेती हूँ बच्चों के हिसाब से, क्योंकि ये नहीं खाते तो मैं कैसे खा सकती हूँ ना, इसके लिए मैं भी नहीं खाती हूँ। और जो उनके लिए मैं बनाती हूँ, मैं मेरे लिए भी वही बनाती हूँ, मैं भी वही खाती हूँ। तो अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं पकाऊँ क्या, वीडियो क्या बनाऊँ ना, क्या डालूँ लेकिन मैं मेरे हिसाब से कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, वेज रेसिपी रमजान में वेज रेसिपी डालूंगी
नहीं होगा पका तो कुछ नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि उसमें भी मैं अच्छा अच्छा कर सकूं। अभी तक तो मैंने इनको अच्छा अच्छा दे चुकी हूँ, लेकिन अभी जैसे रोजे स्टार्ट होंगे तो थोड़ा अलग होता है ना, फिर रोजे में कैसा इंसान की ख्वाहिश होती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उस हिसाब से अभी उस हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह। तो यही वजह थी कि मैंने 15 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला, और इंशाल्लाह अभी वापस स्टार्ट कर, जैसे कि आज का वीडियो मैं डाल रही हूँ तो इसके मतलब आज से इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया कि हाँ मैं अभी वीडियो डालूँगी। तो बस वीडियो को जितना हो सके थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कल डबल इसको मूड हो सके के डालने के लिए। हाँ कल भी डबल परसों इंशाल्लाह, हाँ आगे वीडियो बनाने के लिए अच्छा मन हो। तो अभी हम यहाँ पे अल्लाह हाफिज बोलते हैं, जितना हो सके दुआ करो, इबादत करो, और दुआ में हर किसी को शामिल रखो। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।